मैं डॉक्टर नितिन दीपक, आम्रपाली संस्थान हल्द्वानी में मैं कार्यरत हूँ। एक बार फिर एक और लेक्चर के साथ फोटोशॉप के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये जो इससे पहले हमने लेक्चर देखा था वो वर्जन्स के बारे में था, कुछ फोटोशॉप के बारे में जानकारी थी। ये जो हमारा लेक्चर है ये फोटोशॉप जब आप इस्तेमाल करने शुरू करेंगे तो उसके कुछ कुछ अपने इन्वायरमेंट्स हैं, कुछ स्क्रीन्स हैं जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब वो जानकारी हो जाती है तब आप फोटोशॉप को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो हमारा फोटोशॉप का ये जो लेक्चर है ये फोटोशॉप के इन्वायरमेंट पे है। एक बार फिर से हल्का सा जान लेते हैं कि फोटोशॉप क्या चीज़ होती है। तो फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग टूल है जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स और वेब डिज़ाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। मैं अपने घर में भी अपने फ़ोटोज़ के साथ स्लाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्रोफेशनली भी मैं इसमें लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर सकता हूँ। तो ये बहुतायत में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जिसकी कोई भी उपलब्धता कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। ये फ़ोटोज़ को आइकन्स के लिए, स्कैंड आर्ट वर्क के लिए, आपकी ड्राइंग्स के लिए, आपके खींचे हुए फोटोग्राफी फोटोज़ के लिए, कैसे भी फ़ोटोज़ के लिए ये एडिटिंग टूल काम करता है। फ़ोटोशॉप स्टार्ट कैसे करेंगे? हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर फोटोशॉप के आइकन पे क्लिक करेंगे और फोटोशॉप आपका ऑन होने लगेगा। ये आपका स्क्रीन है, ये हम बात कर रहे हैं फोटोशॉप CS5 की। ऐसा स्क्रीन आएगा, लोड होने में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद जब ये लोड हो जाता है तो उसका जो बेसिक स्क्रीन है वो आपके सामने दिख रहा है। इसमें इस स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आप लेफ़्ट में देख रहे हैं एक टूल बार दिख रहा है आपको, देखिए इसमें लेफ़्ट में ये टूल बॉक्स है, टूल बार जिसे हम कहते हैं, टूल्स भी कह सकते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे एक एप्लीकेशन बार है, उसके बाद एक मेन्यू बार है, फिर ग्रीन में दिखा रखा है दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन बार, और यहाँ पर आप वर्क स्पेस को चूज़ करने का भी बटन आपके सामने दे रखे हैं। ये टोटली जो ग्रे एरिया है दैट इज़ योर वर्क स्पेस। और इधर राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे सीधे हाथ को, वहाँ पर कुछ पैलेट्स आपको नज़र आएंगे, जो कलर्स पैलेट्स हैं, स्वेचेस पैलेट्स हैं, लेयर्स के पैलेट्स हैं, चैनल्स के पैलेट्स हैं, पाथ के पैलेट हैं, बहुत सारे अलग अलग पैलेट हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ये सारा जो एक आयाम था है इसकी ज़रूरत हमको पड़ती रहती है। इसमें जो अगला हमारे पास है, अब देखिए एक एक करके हम हर टूल के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास ये मेन्यू बार है, जैसे साधारणतया जो MS Word है, MS Office है, किस तरह के सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं सब में मेन्यू बार आपको विंडोज़ में ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि ये विंडोज़ पर हम बात कर रहे हैं तो ये विंडोज़ पर मिलेगा। इसमें देखिए फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है, सेलेक्ट है, ऐसे बहुत सारे मेन्यूज़ हैं। तो इस पूरे बार को हम क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। अब जब हम इस फाइल पर हमने क्लिक किया था तो आप एक चीज़ और देखेंगे कि उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कुछ ऑप्शंस के अंदर भी सब ऑप्शंस भी हैं। तो जो सब ऑप्शंस आते हैं इन सब को हम बोलते हैं सब मेन्यू। और जो मेन्यू के अंदर दिखाया, जैसे फाइल के अंदर न्यू है, ओपन है, उन्हीं के राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ पर आप देखेंगे एक जगह लिखा हुआ है Ctrl+N, जिसको मैंने सर्कल भी किया है, तो वो हमारे शॉर्ट कीज़ हैं। अगर आप मेन्यूज़ पे डायरेक्टली काम करना नहीं चाहते, अपने काम को तेज़ करना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट कीज़ का भी इस्तेमाल, शॉर्टकट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब दिए होते हैं, जैसे मैं बिना मेन्यू के अगर Ctrl+N को प्रेस करूँगा कीबोर्ड में तो न्यू फाइल खुल जाएगा इसके अंदर। ये जो नेक्स्ट है हमारा टूल बार है। टूल बार जो है बहुत सारे टूल्स की कैटेगरीज़ में बटा हुआ है, जैसे सेलेक्शन है, सेलेक्शन में क्रॉप है, स्लाइस है, इन्फो टेस्ट है, इन्फो टूल है, आपका ऐसे ही रीटचिंग और पेंट टूल्स हैं जो सिर्फ पेंटिंग और रीटचिंग के काम आते हैं, कुछ टूल्स ड्राइंग करने के काम आते हैं। अब इसमें ड्राइंग का क्या मतलब है ये भी हम आगे बात करेंगे कि ड्राइंग भी एडिटिंग के लिए जो इस्तेमाल की जाए वो उस तरह की ड्राइंग को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ 3D और नेविगेशन के टूल्स भी यहाँ दे रखे हैं। फिर अगर मैं कलर्स पे खेलना चाहता हूँ तो यहाँ बेसिक चीज़ सी दे रखी है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। मैं मास्किंग मोड पे यहाँ पर काम कर सकता हूँ। ये मेरा टूल बॉक्स है जो अलग अलग तरह के टूल्स अपने अंदर समाहित करके रखता है। अब इसमें आगे देखेंगे ये जो थे मैंने आपको टूल्स दिखाए हैं, ये हर टूल्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस खुलेंगे ये उनकी जानकारी देते हुए हैं। जैसे एक हम पहला ले लेते हैं सिलेक्शन टूल।
अब उसके अंदर आपके पास मूव टूल है, पहला टूल है मूव, जो सबसे ऊपर आपको मूव टूल दिख रहा है उसको बोलते हैं मूव टूल। इसके माध्यम से किसी भी फोटो या लेयर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर सकता हूँ। इसमें फिर नीचे आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, फिर आपके पास इलेप्टिकल मार्की टूल है, फिर सिंगल कॉलम मार्की टूल है, एक सिंगल रो मार्की टूल है। ये सब क्या करते हैं टूल, ये किसी भी इमेज को या इमेज के हिस्से को, पार्ट को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन ये दो ही तरीके से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो रेक्टेंगुलर फैशन में या फिर मैं इलेप्टिकल या सर्कुलर फैशन में कर सकता हूँ। उसी के नीचे आप देखो एक जगह लिखा हुआ है लासो टूल। लासो टूल, पॉलीगोनल टूल, मैग्नेटिक टूल, इनका काम क्या है, अगर मैं रेक्टेंगुलर या सर्कुलर फैशन में चीज़ें सेलेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने हाथ से फ्री हैंड सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं लासो टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और बेहतर बारीकी से करना चाहता हूँ तो मैं पॉलीगन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर, ये सिस्टम मेरी मदद करे सिलेक्शन में, तो मैग्नेटिक टूल है जो कलर्स को पकड़ता है और वो कलर्स के हिसाब से सिलेक्शन करता है, तो सिलेक्शन और आपका फाइन और बहुत क्लीन हो जाता है। ऐसी बहुत सारे इसमें टूल्स दिखाए गए हैं, जिधर धीरे धीरे हमारे लेक्चर्स आगे आएंगे तो आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। अगला देखिए, अब ये यहाँ पर बहुत सारे पैलेट्स आपको दिखाए, जो राइट हैंड साइड में मैंने पहले बात की थी, वो जब क्लिक करते हैं तो इस तरह के पैलेट्स उसमें खुलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक कलर बॉक्स का है, एक आपका पैटर्न स्वेचेस का टूल है, स्टाइल्स का है, एक लेयर का इसमें टूल जो पैलेट दिखा रखा है, एक ऐसी अगर आपको टाइपिंग करनी है तो करेक्टर का टूल भी, करेक्टर का भी पैलेट आपको दिखा रखा है। नाउ दीज आर द पैलेट्स इन फोटोशॉप विच कैन बी यूज वेरी इजीली, बहुत आसानी से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए, जब हम न्यू फाइल खोलते हैं, तो मैं बता दूं पहले कि फोटोशॉप में जब नई फाइल खुलती है तो उसको हम कैनवस कहते हैं, वो कैनवस कहलाता है। जैसे हम अमूमन कोई ड्राइंग करते हैं, अगर हम मैनुअली पेंट से, तो जो हम बोर्ड पर काम करते हैं उसको कैनवस कहते हैं। इसी तरीके से फोटोशॉप की फाइल को भी हम क्या बोलते हैं, कैनवस कहते हैं। कैनवस को सेट करने के लिए यहाँ पर जब हम न्यू फाइल करते हैं, न्यू कैनवस बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम कैनवस का नाम क्या देंगे, वो कैनवस का नाम हमको देना पड़ता है। कैनवस की विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ती है कि मुझे जो फोटो या फिर किसी इमेज पे काम करना है तो उसका विड्थ और हाइट कितना होगा उसको बताना पड़ता है। फिर हमें देखना पड़ता है रेजोल्यूशन। यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है वो PPI में दिया जाता है, जिसको बोलते हैं पिक्सल पर इंच। हर इंच में कितने पिक्सल होने चाहिए जिससे उसका बेहतर रेजोल्यूशन हो सके, उसको भी यहाँ सेट किया जाता है। एक बेसिक फोटो पे काम करने के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 72 इज़ अ स्टैंडर्ड PPI रेशियो। उसके बाद आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो वहाँ पर आपको फाइल का साइज़ भी दिखाता है कि अगर ये फाइल आप इस सेटिंग के हिसाब से बनाएंगे तो अमूमन इतनी साइज़ की फाइल आपकी बनेगी। ऐसी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो थोड़ा टेक्निकल हैं, हम आगे बात करेंगे। इसी में एक फिर हम इसको ओके कर देते हैं तो आपका नया कैनवास स्टार्ट हो जाता है वाइट बैकग्राउंड के साथ। नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, मेन्यू बार के अंदर एक ऑप्शन है इमेज का, जिसमें एक दिखा रखा है कि और पे हम रेडीमेड टूल्स भी हमारे पास हैं। यहाँ पर जैसे इमेज है तो उसके अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट का एक मेन्यू है, उसके अंदर सब मेन्यूज़ हैं, जैसे कलर बैलेंस। अगर मैं इस फोटो का कलर बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा रेड ज़्यादा करना चाहता हूँ या मैं ग्रीन ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं उसको इसके माध्यम से यहाँ पर रेडीमेडली कर सकता हूँ। तो ये भी हमारे पास कुछ रेडीमेड इफेक्ट्स मेन्यू बार में भी आपको मिलते हैं, जो अमूमन यहाँ नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं वो सारे पैलेट्स में और टूल बार में आपको सामने दिखते हैं। मगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर आपको काम करना है तो मेन्यू बार में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पहला देखा एडजस्टमेंट और कलर बैलेंस, ऐसी डीसेचुरेट कमांड है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास फिल्टर का कमांड है। ऐसे ही अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास, नेक्स्ट सॉरी मेन्यू है, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। फिल्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है हमने डिस्टॉर्ट का, जिसमें वेव्स नाम दिए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल भी इन फोटो पे कर सकते हैं। ऐसे फिल्टर्स, ये बहुत सारे फिल्टर्स हैं, कुछ यहाँ पर गिवन है, कुछ ऐसे भी होता है कि आप इंटरनेट से नेक्स्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। फोटोशॉप का एक बड़ा अच्छा सा आयाम है कि अगर आप बहुत टेक्निकल हैं, अच्छा कोडिंग जानते हैं, तो आप अपने फोटोशॉप से अपने फिल्टर भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसी सुविधा भी आपको ये फोटोशॉप देता है, तो स्काई इज़ द लिमिट, आप कुछ भी इस पे आप आयाम पे दे सकते हैं। एक ऐसी आपका मेन्यू बार है विंडोज़, जिसके अंदर वो सारे पैलेट्स और टूल्स मिलेंगे जो आपको लेफ्ट और राइट में आपको अमूमन दिख रहे थे। तो सारे तो दिखते नहीं हैं, तो वो सारे मेन्यू बार में मिलते हैं जो आपको ज़रूरत होती है, अदरवाइज आप डायरेक्टली उन पर काम कर सकते हैं और उनकी शॉर्ट कीज से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे F7 अगर आप की प्रेस करेंगे तो लेयर पैलेट आपका खुल के सामने आता है।
नेक्स्ट आप देखेंगे कि फाइल का न्यू कैनवास हम करते हैं, फाइल में जाते हैं, क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल कैनवास ओपन हो जाएगा। नाउ दिस इज माय अ न्यू कैनवास। अभी इस कैनवास के साथ आप सीधे हाथ को देखेंगे तो यहाँ पर पीपीटी में एक लेयर पैलेट भी आपका खुला हुआ है, उसमें देखिए वाइट कलर का एक बैकग्राउंड लेयर आपके सामने दिख रही है जो डिफॉल्ट होता है। अब वो डिफॉल्ट लेयर, अच्छा फोटोशॉप में जब भी कैनवास पे आप काम करेंगे तो विदाउट लेयर आप कोई काम नहीं कर सकते, इस कारण से अमूमन अपने आप ही एक डिफॉल्ट लेयर पैलेट, लेयर पैलेट में एक लेयर बैकग्राउंड लेयर आपको नज़र आएगा जो बिना लेयर के हम इस पे काम नहीं कर सकते, तो वो जो वाइट बैकग्राउंड है वो आपको लेयर में भी वाइट एक स्क्वायर में आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से हम इस पर काम करते हैं। अब जो दूसरा आयाम है वो ये है कि फोटोशॉप पे जब हम इमेज एडिट करते हैं तो एक्चुअली इमेज एडिट हो कैसे जाती है, तो उसका कारण ये है कि जो सिस्टम हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो पिक्सल्स में बटा, वो बिट्स और बिट्स में काम करता है, जो हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो पिक्सल्स में काम करता है, तो जो हमारा फोटोशॉप है वो भी हमारा पिक्सल्स पे काम करता है, जिनको हम बोलते हैं रास्टर ग्राफिक्स और पिक्चर्स। नाउ व्हाट इज़ रास्टर ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स, तो मैंने दो पिक्सल्स और वेक्टर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक में ये दोनों पिक्चर सेम है मगर एक वेक्टर ड्राइंग को शो कर रहा है और एक आपके पिक्सेलेटेड ड्राइंग को शो कर रहा है, जहाँ पर पिक्सल्स आपको लेंस में दिख रहे हैं लेकिन वही लेंस में वेक्टर में आपको पिक्सल्स नहीं दिख रहे हैं। तो जो टूल वेक्टर में काम करते हैं वहाँ पर ड्राइंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उसका डिस्टॉर्शन का एरिया होता ही नहीं है, उसका रिजोल्यूशन का जो लिमिट है वो होता ही नहीं है, वो जितना भी जूम करें आपको साफ ही नज़र आएगा, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं वेक्टर्स में, एक एक इंच पर जाके एक एक पिक्सल पर जाके एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से फोटोशॉप की इंपॉर्टेंस है। फोटोशॉप में जो डिस्टॉर्ट लेंस का जूम करने के बाद जो आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, हर पिक्सल का मैं अलग से अगर कलर चेंज करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली एडिटिंग। एडिटिंग का सही माने में जो मतलब है कि फोटोशॉप के अंदर आप पिक्चर जो देख रहे हैं वो एक्चुअली कलर्स का ही तो कॉम्बिनेशन है जो हमें व्यू कराता है एक पिक्चर के रूप में, तो अगर उन रंगों पे मैं कुछ बदलाव करूँगा तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ बदलाव सामने आएंगे। ये दूसरी पिक्चर है जो उदाहरण के तौर पे दी गई है, एक फूल बना हुआ है, उसको मैंने जूम किया तो लेंस में आप देखेंगे वो पिक्सेलेटेड नज़र आ रहा है, तो एक स्क्वायर जो आपको दिख रहा है कलर्स का, एक एक स्क्वायर, उसको हम पिक्सल कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द डॉट्स विच आर कॉल्ड पिक्सल्स। इनमें अगर मैं कलर चेंजेस करूंगा तो फूल का तो रंग रोंग सब चेंज हो सकता है, मैं एक नारंगी ऑरेंज फूल को लाल में सफ़ेद में कैसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ये कलाकारी पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आज का लेक्चर इसी पर आधारित था जिसको आपको फोटोशॉप के इन्वायरमेंट पे हम बात कर रहे थे। ये फोटोशॉप के इन्वायरमेंट में हमने क्या क्या सीखा, जैसे फोटोशॉप का मेन्यू बार कैसे इस्तेमाल करना है, टूल बार कैसे इस्तेमाल करना है, पैलेट्स दे रखे होते हैं जिससे आप फास्ट कम कर पाएँ, शॉर्टकट कीज़ पर आप कैसे काम कर सकते हैं, जैसे F7 दबाया तो लेयर पैलेट, कंट्रोल एंड प्रेस किया तो न्यू फाइल खुलता है। यहाँ पर फोटोशॉप की फाइल को हम क्या बोलते हैं, कैनवस कहते हैं, उसका साइज़ हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, उसका रिजोल्यूशन हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। ऐसे ही एक बात और बताता हूँ जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर फोटोशॉप का जो कैनवस हमने खोला था उसका ओरिजिनल फाइल किस में सेव होएगा, .psd में, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में, जो ओरिजिनल फाइल कहलाएगा। तो ये कुछ फोटोशॉप के इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी थी। इस लेक्चर में आज इतना ही है और अगले लेक्चर में हम टूल बार, टूल बॉक्स कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी जिससे आप अलग आयाम पे जा सकते हैं। धन्यवाद।